हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडनोलेज क्लासेस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2, जिसका हम लोग यहां पर हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे आपके सामने लाइव। सो इससे पहले हमने 4.4 को भी सॉल्व कर चुके हैं और उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, सो आप उसको देख सकते हैं 4.4 एक्सरसाइज। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, इसका रूट्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर पाँच इक्वेशन दिए हुए हैं, पाँचों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो देखते हैं पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x - 10 = 0। इसका हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइज करते हैं तो क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं, इसको ऐसा ब्रेक करते हैं कि जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर होगा और जिसका सम या डिफरेंस क्या होगा, बीच वाले बी के बी टर्म के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं एक्स स्क्वायर 5x + 2x - 10 = 0। -10 = 0। अब क्या है, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 5 - 5 × 2 - 10, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है और सम देखिए बीच का -5x + 2x, तो -3x आएगा। ठीक है, समझ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, एक्स कॉमन निकलेगा तो एक्स माइनस 5 प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो x - 5 = 0। अब हम लोग को दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, दो फैक्टर आ गया इक्वल टू 0। अब इसको दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, x - 5 = 0 और x + 2 = 0। x इक्वल टू क्या होगा 5 और x इक्वल टू इधर क्या होगा -2। ठीक है, समझ गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक बार फिर से देखिए, हम लोग बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, ऐसा स्प्लिट करते हैं जिसका कि प्रोडक्ट क्या होगा, ए और सी के बराबर होगा और जिसका सम या डिफरेंस क्या होगा, बीच वाले बी टर्म के बराबर होगा। तो देखिए समझ गया, 5 × 10 और ये -5x + 2x = -3x। ठीक है, समझ गया। सेकंड देखिए, सेकंड में आता है 2x² + x - 6 = 0। तो इसको हम लोग को स्प्लिट करना है तो क्या करेंगे, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब यहाँ पर क्या है, बीच वाले टर्म प्लस एक्स है तो इसको हम लोग क्या किए, देखो 4x - 3x हो गया x और प्रोडक्ट क्या होगा 12, तो देखिए 4 × -3 - 12 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो 2x कॉमन निकलेगा तो x + 2, यहाँ से -3 कॉमन निकलेगा तो x + 2 = 0। तो दो फैक्टर आ गया 2x - 3 और x + 2 = 0। अब हम लोग इक्वेट करेंगे 2x - 3 = 0 और x + 2 = 0। x क्या होगा 3/2 और x इधर क्या होगा दूसरा वैल्यू -2। ठीक है, क्लियर है, समझ गया। अब नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर, इसमें है √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब देखिए, अब यहाँ पर आप रूट देखकर कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हम लोग को जो करना है क्या करना है, हमें बीच का टर्म मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसा स्प्लिट करना है कि दोनों का प्रोडक्ट के बराबर हो। तो अब देखिए √2 × √2 क्या होगा 2 × 5 तो 10 आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 10 और बीच का एडिशन कितना आना चाहिए 7x। तो यहाँ देखिए √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। क्लियर है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ देखिए 5x + 2x 7x हो गया बी टर्म मिडिल टर्म और देखिए ए और सी का प्रोडक्ट क्या है 10 आना चाहिए, तो देखिए 5 × 2 = 10। ठीक है, तो अब हम लोग कॉमन क्या निकलेगा, इसमें सिर्फ एक्स निकलेगा तो √2 +
रूट टू एक्स प्लस फाइव, और यहाँ पर क्या निकलेगा कॉमन, रूट टू कॉमन निकलेगा। देखिए टू है और रूट टू है, तो रूट टू कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब दो फैक्टर इसमें भी आ गया, क्या क्या फैक्टर आएगा, एक्स प्लस रूट टू और दूसरा फैक्टर है रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। क्लियर है, जिसमें दो वैल्यू क्या, अब इसको हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे तो x प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो और रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो x क्या होगा माइनस रूट टू, और इधर x का दूसरा वैल्यू क्या होगा माइनस फाइव, ये इधर चला गया तो माइनस फाइव डिवाइडेड बाई रूट टू। ठीक है, दो वैल्यू आ गए x के, रूट टू और माइनस फाइव रूट। क्लियर है, फोर नंबर में लिखिए, फोर नंबर में क्या है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पर क्या एक फ्रैक्शन आ गया है, तो हम लोग को अब क्या यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा। तो ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, ये सब में मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो वन हो गया, इसका भी वन हो गया, तो हम लोग को एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एट इक्वल टू जीरो। क्लियर है, अब क्या करेंगे ये इधर चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। समझ आया ये जीरो कैसे हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन किसको करना है माइनस एट एक्स को, तो क्या करेंगे सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए माइनस फोर इंटू माइनस फोर क्या हो गया प्लस सिक्सटीन, प्रोडक्ट क्या हो गया सिक्सटीन आ गया, सिक्सटीन अब माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स को ऐड करें तो माइनस एट एक्स, तो सम भी क्या आ गया माइनस एट एक्स। अब यहाँ से क्या निकालेंगे कॉमन निकालेंगे, तो फोर एक्स को कॉमन निकाले, इन दोनों के बीच में फोर एक्स कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या फोर एक्स माइनस वन, इनमें से क्या कुछ नहीं है कॉमन, तो इसको वन कॉमन निकलेगा, तो क्या बच गया फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब दो वैल्यू आ गया, तो फोर एक्स माइनस वन, फोर एक्स माइनस वन, इसमें इक्वल रूट्स आएंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू क्या होगा वन बाई फोर, और एक्स इधर भी एक्स इक्वल टू वन बाई फोर, टू इक्वल रूट्स हो गया इसका। अब यहाँ देखिए फिफ्थ नंबर में क्या है, हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस वन, तो हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस वन, इसमें क्या होना चाहिए प्रोडक्ट आपका 100 आना चाहिए और एडिशन और में क्या आना चाहिए माइनस 20। तो चलिए हम लोग इसको ऐसा स्प्लिट करते हैं, तो हम लोग इसको 10 और 10 में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब देखिए माइनस 10 माइनस 10 का प्रोडक्ट 100 होगा और दोनों का सब माइनस 20 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो 10x कॉमन निकल जाएगा, तो 10x माइनस 1, इसमें क्या कॉमन निकला इन दोनों में माइनस 1 कॉमन निकलेगा, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो 10x माइनस 1 इसमें भी क्या आएगा टू इक्वल रूट्स इक्वल टू जीरो। फिर आते हैं x, अब दोनों को जीरो से इक्वेट करेंगे इक्वल टू जीरो और 10x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 1 बाई 10 और एक्स इक्वल टू इधर भी आएगा 1 बाई 10। क्लियर है, क्वेश्चन टू, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल वन। तो इसमें हमें एग्जांपल वन का एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एग्जांपल वन में क्या था, एग्जांपल वन में दो पार्ट का क्वेश्चन है, पहला में जॉन एंड जिवांटी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। We would like to find out how many marbles they had to start with. तो देखिए हमको यहाँ से क्या इक्वेशन लेना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें तो इक्वेशन क्या था,
तो देखिए हम लोग सिर्फ इस क्वेश्चन से इक्वेशन लेंगे, द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन ये है जिससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब हमको स्प्लिट करना है, जिसका प्रोडक्ट 324 आना चाहिए, 324 आना चाहिए, और इसका जो बीच का मिडिल टर्म में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो क्या आना चाहिए, 45x। तो यहाँ पे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये एक्स स्क्वायर को, तो 324, तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके देख सकते हैं आप, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए, फिर 2 से करेंगे तो फिर 3 से करेंगे तो आएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो आएगा आपका 9 और 3। हम लोग इसको ऐसा फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, 36 माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए 36 इंटू 9 क्या होगा, 324। तो हम ये बता रहे थे कि आप एलसीएम से भी आप अपना फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, जिसका सम आना चाहिए 45। तो हम लोग क्या किए, 36 और 9 लिए, जिसका सम क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, 324। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकलेगा तो 36 हो गया, इसमें से 9 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 36 होगा इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। फिर देखिए फिर क्या करेंगे, x माइनस 36 और x माइनस 9, दो फैक्टर हो गए इसके, तो x माइनस 36 को 0 से इक्वेट करेंगे और x माइनस 9 को भी 0 से इक्वेट करेंगे, तो x का वैल्यू 9 आएगा और x का वैल्यू, दो वैल्यू आएगा x का, 36 आएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस करता है कॉटेज इंडस्ट्री, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एंड वी वुड हैज पर्टिकुलर डे द कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750, वी वुड लाइक टू फॉलोइंग फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। तो देखिए इसको, इसमें से हम लोग को सिर्फ इक्वेशन लेना है, तो यहाँ पे इक्वेशन हमें मिल गया है, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है ये, इसमें से जो वैल्यू निकलेगा एक्स जो निकलेगा वही एक्स आपका क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोड्यूस ऑन डैट डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन डैट डे। तो हमें क्या इसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं, एक्स को सॉल्व करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ देखिए दूसरा में क्या है, एक्स इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करें, 750 प्रोडक्ट में आना चाहिए और एडिशन में क्या आना चाहिए, माइनस 55। तो देखिए 750 को हम लोग 30 और 25 भी कर सकते हैं, तो 25 इंटू 30 हो जाएगा 750। तो देखिए 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, x माइनस 25 माइनस 30 निकालेंगे इसमें से कॉमन, तो क्या होगा, x माइनस 25 इक्वल टू 0, यहाँ तक ठीक है। अब क्या है, दो फैक्टर हो गए, x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 25 को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे और दूसरा x माइनस 30 को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, तो x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 30, ठीक है, दो वैल्यू आएंगे, x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 30। क्वेश्चन 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो यहाँ देखिए क्या है, दो नंबर है, उसका सम क्या है, 27 है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 182 है, ठीक है। तो ये हमको नंबर निकालना, तो इसमें भी क्या है, x मानेंगे और दूसरे को, ठीक है, x मान के इसमें से भी फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो पहले वन नंबर को x मानेंगे, तो लेट द वन नंबर बी x, पहला नंबर x होगा, तो दूसरा नंबर क्या होगा, अदर नंबर भी 27 माइनस x, क्योंकि सम क्या है, टोटल 27 है सम, और प्रोडक्ट क्या है, 182।
तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था प्रोडक्ट क्या है दोनों नंबर का, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 है। तो पहला नंबर हम लोग एक्स माने हैं तो एक्स मल्टीप्लाई हो गया आपका, सेकंड नंबर माने 27 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 182। तो चलिए देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब हम लोग साइड चेंज कर लेते हैं तो ये चला जाएगा RHS में, तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। 182 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए माइनस 27 और प्रोडक्ट आना चाहिए 182। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स कॉमन निकलेगा तो एक्स माइनस 13, इसमें से माइनस 14 कॉमन निकला तो एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 14 होगा और एक्स माइनस 13, दो फैक्टर आएंगे इसके, तो एक्स माइनस 14 को इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 14 और एक्स इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया एक्स इक्वल टू 13 और 14। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कह रहा फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो कंजुगेटिव मतलब लगातार, कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, तो यही लगातार है। ठीक है, तो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिसका सम हुज स्क्वायर का सम क्या है, दोनों नंबर का स्क्वायर का सम 365 है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है, लेट टू कंजुगेटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस वन। देखिए कंजुगेटिव का मतलब होता है दो लगातार, कंजुगेटिव का मतलब क्या होगा, दो लगातार नंबर। तो टू कंजुगेटिव इंटीजर क्या होगा, एक्स होगा और दूसरा एक्स प्लस वन होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। स्क्वायर का सम क्या है, 365 है। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, पहला नंबर x है दूसरा x प्लस वन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। अब इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू 365। यहाँ पर दोनों को सम कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू 365। टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस, अब इसको LHS में ले आएंगे तो माइनस 364 हो जाएगा इक्वल टू 0। दो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब 182 को हम लोग को क्या करना है, ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, ताकि वो आपका दोनों का प्रोडक्ट में क्या है, 182 है, सम में क्या है, x आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, तो 14x और माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकला तो x प्लस 14, और इसमें से माइनस 13 कॉमन निकला तो क्या बचेगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब आते हैं x प्लस 14 और x माइनस 13, दो फैक्टर हो गए, x प्लस 13 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू 13। ठीक है, दो वैल्यू आएंगे। तो अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो क्या माइनस 14 नहीं होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, x इक्वल टू 13। तो हम लोग के दो कंजुगेटिव नंबर चाहिए था, तो x हो गया 13 और x प्लस 1 हो गया 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस एंड द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो देखिए एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, हाइट जो भी है वो 7 लेस है, हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है, बेस ये बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, एल्टी ठीक है।
तो हमको इसमें से निकालना है पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है लेट, तो देखते हैं, लेट द बेस ऑफ ए ट्रायंगल बी एक्स, बेस को क्या माने एक्स, हाइट को क्या माने एक्स माइनस सेवन, हाइट बोलिए परपेंडिकुलर ऑफ ए ट्रायंगल हो गया एक्स माइनस सेवन, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल में देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल में क्या माने ए बी सी ट्रायंगल है, ये आपका बेस एक्स मान लिए, और हाइट क्या परपेंडिकुलर क्या माने एक्स माइनस सेवन, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है। तो आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो यहाँ पे हम लोग x माने, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, दोनों का स्क्वायर का सम आपका हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। तो बेस का एक्स स्क्वायर हो गया और परपेंडिकुलर हो गया आपका एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169, सम हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये आपका साइड चेंज होगा तो इधर आ जाएगा, तो क्या होगा प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, ठीक है 120 इक्वल टू 0। अब दो कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, टू कॉमन निकल गया माइनस सेवन एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब हम लोग कैसे ब्रेकडाउन करेंगे, 60 प्रोडक्ट में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ भी साइन माइनस है, यहाँ भी साइन माइनस, तो बड़ा वाला का जो नंबर होगा वो भी माइनस होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 12 प्लस 5 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 12 एक फैक्टर और x प्लस 5 हो गया आपका दूसरा फैक्टर, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 5। तो देखिए माइनस 5 तो होगा नहीं, तो आपका आंसर होगा x इक्वल टू 12, x 12 होगा। तो बेस, सो बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एक्स माने थे तो एक्स आपका 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आपका एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एक्स माइनस सेवन माने थे तो 12 माइनस सेवन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्लियर है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 6, ए कॉटन इंडस्ट्री, ए कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज इज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। तो फाइंड द आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखिए हम लोग इसमें भी एक्स मानेंगे, इसमें बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है और जो कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो दुगना है किससे, नंबर ऑफ आर्टिकल से, और उसमें दुगना है प्लस उसमें 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसको, चलिए इसको हम लोग, तो यहाँ हम लोग क्या, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बी एक्स, जितना भी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है फैक्ट्री में वो कितना है एक्स है। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, अब उसका जो कॉस्ट है प्रोडक्शन ऑफ हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है 2x + 3, 2x + 3 क्यों होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीज वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एक्स था तो उससे उसका दुगना का 3 ज़्यादा, तो 2x + 3, समझ में आया। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा 2x + 3, और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस क्या हो गया एक्स हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, अब जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन का जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो वो कितना होगा। तो देखिए
नंबर ऑफ आर्टिकल जितना बना एक्स था उसका प्रोडक्ट और एक दिन का जो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जितना उस दिन बना, तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो आपका निकल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस पूरे दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो उस पूरे दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने क्या करना होगा, हमें जो जितना आर्टिकल्स उस दिन बना है एक्स, उसको मल्टीप्लाई करें किससे, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट से। तो वही किए हैं, एक्स मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 90, कितना होगा 90। तो 2x, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 2x स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। अब क्या करेंगे, इसको LHS में लाएंगे, 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x, अब इसको तोड़ना, 90 प्रोडक्ट 180 आएगा और सम क्या आएगा 3। तो हम लोग क्या करें, 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या x कॉमन निकलेगा, तो 2x प्लस 15, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा माइनस 6, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हो गया, पहला x माइनस 6 और दूसरा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 6 होगा चाहे x का वैल्यू माइनस 15 बाई 2 होगा। तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स में चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो ये क्या होगा आंसर, गलत होगा। हम लोग क्या लेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 6, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कैन ओनली बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हेंस क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना होगा, x माने थे इक्वल टू x, तो आपका होगा 6 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या था इक्वल टू होगा 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 हो गया आपका 15। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका 15, याद रहेगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन, यहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको सॉल्व किया है और समझाते हुए भी सॉल्व किया है। तो ये था आपका टोटल सॉल्यूशन, टोटल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, इस एक्सरसाइज का मैंने सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आपके सामने लाइव सॉल्व किया है। तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो और मैं ये कहूँगा कि आप पहले इसको पेपर पे अपने कॉपी पर पहले खुद से सॉल्व कीजिए, अगर सॉल्व करने के बाद अगर आपको जहाँ पर दिक्कत हो रहा है या जहाँ पर भी आप फंस रहे हैं, आपको डॉट हो रहा है, वहाँ पर आप जाकर इस सॉल्यूशन को देखिए और फिर समझिए और उसका खुद से फिर से सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितने कीजिएगा मैथ्स में आपका उतना एक्यूरेसी जो है वो बढ़ेगा। सो क्योंकि CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में आपका एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप काफ़ी अच्छे से मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। सो ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको अगर कोई मैथ्स में क्लास 10 के मैथ्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन को आप मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल।